ये क्या बवाल है, यहाँ से लेकर उधर भी जाम लगा है। जाम लगा है बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी तक। अब जाम इतना गंदा लगा है कि गाड़ियाँ हिल तक नहीं रही हैं, क्योंकि मैं पीरागढ़ी से आया था मंडिका के लिए, तो मुझ पर निकलने में मुश्किल हो गई। इतनी मुश्किल हो गई कि मैंने दिन भर का पेट्रोल उस जाम में खर्च कर दिया। पहले तो मैं उस साइड से आया था, तब मुझे जाम दिख रहा था, लेकिन दूसरी साइड में जाम नहीं नज़र आ रहा। अब इधर से देख रहा हूँ मंडिका इंडस्ट्री एरिया से पीरागढ़ी के लिए, इस पर जाम लगा हुआ है। जाएँ तो जाएँ कैसे भाई लोग? कोई भी रोड पे चलता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जाना ज़रूरी है कि नहीं, तब रोड पे निकला करें। मुँह उठाए मत चले आए करो, गाड़ी उठा ली और चल दिए। कुछ लोग काम से निकलते हैं, कुछ बेकाम से निकलते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि एक इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती है। ज़्यादातर यहाँ छोटी गाड़ियाँ कम, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा आती जाती है और जाम लगता रहता है। मेट्रो स्टेशन तो बना दिया, गाड़ी नहीं हिल रही। अरे जाम 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 जाम। ये लगा है जाम, गंदे वाला जाम। जूम कर करके दिखाएंगे भैया, वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ड्राइवर के नीचे। अब क्या मेरे ऊपर चढ़ाया क्या? ले भाई गाड़ी, ड्यूटी थी वो हरियाणा परिवहन निगम। ये यहाँ नहीं, ये तो मंडिका है, मंडिका इंडस्ट्रियल एरिया। नया मेट्रो स्टेशन है ये, शायद एक दो साल हुए बने हुए, लेकिन पीरागढ़ी की तरफ जाओ जा ही नहीं सकते, हिल भी नहीं पाओगे। ये खुद को समझना चाहिए, ख़ास करके बीच में जो कट है, वो छोटे छोटे कट इन जामों को बढ़ाते हैं। मैंने देखा है जब हम लंबे रूट पे चलते हैं या जाते हैं इधर उधर, तो बीच में छोटे छोटे कट होते हैं, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं छोटी गाड़ियों वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वो रेड लाइट का तो समझते ही नहीं, रेड लाइट क्या होती है, बस निकलने से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके बीच में आने की वजह से एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी रुकेगी तो उसके पीछे सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और ऐसे लगेगा जाम। और वही होता है, जाम लगने की कोई छोटी मोटी वजह नहीं है, यही वजह होती है। रोड पे चलते हुए ध्यान दिया करो यार, तुम्हें जितनी जल्दी है उतनी जल्दी औरों की भी है।